अस्सलाम दोस्तों दोस्तों मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कुवैत जाने में कितना पैसा लगेगा। देखिए मैंने भी कुवैत गया था, ये देखिए मेरा वीज़ा है, मैंने भी कुवैत गया था और मेरा कितना लगा था मैं सारी बात मैं आपको बताऊँगा, और कैसे कैसे मैं गया था और कौन कौन से मतलब कि प्रॉब्लम हुए थे हमारे साथ में, कैसे कैसे वहाँ से हम कुवैत में आए थे, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और कितना पैसा लगता है, कहाँ कहाँ खर्च आपको जेन्युइन तरीके से करना है, क्योंकि देखिए मैं तो गया तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी लग गया, लेकिन मैं वही बताऊंगा, आप थोड़ा थोड़ा भी पैसा बचाते हैं तो आपको बहुत अच्छा पैसा बच जाएगा आपका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुवैत के अंदर में अगर आपको जाना है तो सबसे पहली बात आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको बराबर तरीके से मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू दिए और चल दिए, नहीं, वहाँ पर जाने के बाद आप फंस भी सकते हैं। अब वहाँ पर फंसेंगे तो जल्दी कोई सुनता नहीं है भाई साहब, वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप फंसे हुए हैं, ऐसे तरीके से लोग फंसते हैं वहाँ पर। तो इसलिए अगर कोई भी कंपनी में जाते हैं तो उसके बारे में अच्छी तरीके से अप्लाई जाने, उसके बारे में अच्छी तरह से पूछताछ कर लें, उसी के बाद आप मतलब कि अप्लाई करें। उसके बाद जो भी ऑफिस आपका, जो भी ऑफिस पर आप पासपोर्ट लगाते हैं तब उस ऑफिस के बारे में भी आपको पता करनी होती है कि क्या वो ऑफिस जेन्युइन तरीके से काम करवाती है कि नहीं करवाती है। ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा देंगे तो लेके भाग जाएगी। देखिए बहुत सारे ऐसा कारनामा हो चुका है, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको बार बार इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो ऑफिस के बारे में भी जानकारी लीजिए और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि लाइसेंसी वाले ऑफिस पे ही अप्लाई करें, उसका मतलब कि पैसा लेके भागने का जो चांस है बहुत कम होता है। वो भी पैसा लेके भागती है लेकिन पैसा लेके भागने का चांस उसमें बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू के देने के दौरान एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कभी भी आपको एग्रीमेंट में देखना है कि हमारा सैलरी कितना है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे सैलरी में भी लोचा होता है। देखिए कभी भी अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू देने के दौरान आप कभी भी क्लाइंट से पूछते हैं, क्लाइंट बोलता है कि आपका सैलरी 120 KD लग गया, तो एग्रीमेंट में देखिए कि आपका 120 KD लगा है कि नहीं लगा है, उसमें भी लोचा होता है। लोचा ये होता है कि उसमें जो है सैलरी जो है तीन चार विभाग में कर देती है, जैसे कि बेसिक सैलरी 80 हो गया, 20 अलाउंस हो गया, 20 फूड खर्च हो गया, ऐसे करके आपका 120 कर देगी। इसमें प्रॉफिट नहीं है। जब ये आप ओवर टाइम करने जाएंगे कंपनी में तो 80 के हिसाब से ही आपका ओवर टाइम बनेगा, 120 के हिसाब से ओवर टाइम नहीं बनेगा आपका, तो ये भी चीज़ ख्याल रखनी है। उसके बाद जो है आपको कभी भी अगर पासपोर्ट लगाते हैं कोई भी ऑफिस में तो आपको एक चीज़ और देखना है कि आप जब भी मेडिकल, देखिए कुवैत के अंदर में सबसे पहले जो है ऑफिस बोलती है कि नॉर्मल मेडिकल करवाइए, कोशिश कीजिए कि आपको नॉर्मल मेडिकल ना कराने की ज़रूरत पड़े। आप अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को सेहत पर ध्यान दीजिए। देखिए नॉर्मल मेडिकल का कोई वैल्यू नहीं है, उसमें भी पैसा आपका 4,000 रुपये नुकसान चला जाएगा, वो कुछ नहीं होता है, वो सब कमाने का जरिया होता है सिर्फ। जो भी ऑफिस होती है वो बोल देती है कि जाइए वहाँ से मेडिकल करवा कर लेकर आइए। भाई साहब वहाँ पे अब एक एक आदमी का चार चार हज़ार रुपये मेडिकल लगता है। अब 4,000 के हिसाब से सोच लीजिएगा, अगर 50-100 लड़के भी अगर कर देते हैं तो 4,00,000 रुपये होते हैं एक दिन में। तो इसलिए नॉर्मल मेडिकल का कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद आपको PCC कराने के लिए बोलते हैं, तो PCC कराने के लिए आप अपने तरीके से ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है फिल करें, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद ही अब मतलब उसका चार्ज भी मतलब कि कम रहेगा। अगर ऑफिस थ्रू लगाते हैं तो वो लोग थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ले लेंगे। तो इसलिए अपने तरीके से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का फिल करें, अपॉइंटमेंट लें। उसके बाद वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपका मतलब कि PCC हो जाता है। PCC होने के बाद आपको वीज़ा आता है, PCC होने के बाद आपका वीज़ा आता है। वीज़ा आने के बाद आपको बोलाता है कि आप मेडिकल करवाइए, तब जाके आपको गमका मेडिकल करवाना है जो भी आपका सेंटर होगा। गमका मेडिकल कराने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उस अपॉइंटमेंट को लेने के लिए ऑनलाइन लेना पड़ता है, यानी कि किस तारीख पे आपको मेडिकल करवाना है, कौन से डेट पे करवाना है, और उसमें जो है आपको चार्ज लगता है कम से कम 800 से 900 रुपये लगते हैं। उसके बाद मेडिकल सेंटर पर जाएंगे, मेडिकल करवा लेंगे। उसके बाद जो है आपको ऑफिस चार्ज जो है 60,000 रुपये लगता है, यानी कि ऑफिस चार्ज अभी के पीरियड में 60,050। लेकिन टोटल खर्च की बात करें तो टोटल खर्च जो है आपको कम से कम पड़ जाएंगे तो 70,000 रुपये। कुवैत जाना है तो आपको 70,000 रुपये अपने पास रखने होंगे, तभी आपका जो है मतलब कि कुवैत जा सकते हैं।
तो चलिए मैंने सारी भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए हैं इस वीडियो में, तो जाइए अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।